हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपका भाई सुभाष आपके लिए लेके आए बैक वर्कआउट। तो मैं और मेरा छोटा भाई राहुल हम आपको करके दिखाएंगे कि बैक हम अच्छी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो हम टोटल करेंगे 6 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। तो ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा पहली एक्सरसाइज जिसका नाम है चिन अप। तो राहुल आपको करके दिखाएगा चिन अप, जिसके हमें 4 ही सेट लेने हैं। राहुल आपको करके दिखा देगा कि कैसे करते हैं। इसके 4 सेट लेने हैं, 10-10, 12-12, 15-15 रैप के 4 सेट। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, राउंड दोबारा करके दिखा होल्ड। आपको इसको करते वक्त अपनी एल्बो बाहर नहीं रखनी, एल्बो अंदर रखनी है। तो इसको करने का सही तरीका यही है। तो ठीक है दोस्तों, हमारी पहली एक्सरसाइज हो चुकी है फिनिश। अब जाएंगे सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, इसका नाम है फ्रंट पुली। तो राहुल आपको करके दिखाएगा, इसके 4 ही सेट करने हैं हमें। हर सेट में आपको थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाना है। तो स्टार्ट राहुल, इसके हाथ में ज्यादा वाइड नहीं करने, मीडियम हाथ करने हैं। इस एक्सरसाइज का प्रेशर यहाँ पे आपको होना चाहिए, यहाँ पे फील करके करिए। भी हमें अपनी एल्बो अंदर की तरफ ही रखनी है, बाहर नहीं लानी। जैसे कि हम बाहर करके दिखा पहले, जो गलत करते हैं वो करके दिखाएगा। ऐसे नहीं करना, अंदर करो ऐसे, एल्बो अंदर करके देखिए, बहुत अच्छा फील आएगा। इसके भी 4 सेट करने हैं, 12-12, 15-15 के रहे। तो ठीक है दोस्तों, हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी हो चुकी है फिनिश। अब जाएंगे थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, इसका नाम है बैंड ओवर। तो राहुल आपको करके दिखाएगा, इसके हमें 4 ही सेट करने हैं। और इसमें आप वेट ज़्यादा ना बढ़ाएं, वही बेटर है, मीडियम वेट से करें फील करके। राउंड स्टार्ट। तो इसको करने का सही तरीका भी यही है कि आप जो आपकी रॉड है इसको आगे की तरफ ना फेंकें, अपने पैरों के पास ले जाएं। एक चीज का आप खास करके ध्यान रखें कि आपकी जो बैक है वो पूरी स्ट्रेट रहनी चाहिए, ताकि फोल्ड जैसे लड़के करते हैं, राउंड करके दिखा पूरी बैक मोड़ देते हैं, जो इस तरीके से नहीं करना, आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। हाँ, इसको करने का सही तरीका यही है। तो इसके भी हमें 40 सेट करने हैं, आप जानते हैं जैसे कि। और इसमें वेट आप ज्यादा ना बढ़ाए ना, वही बेटर है, मीडियम वेट से करें, क्योंकि लोअर बैक में प्रॉब्लम कभी कभार किसी किसी को हो जाती है। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। ओके दोस्तों, हमारी थर्ड एक्सरसाइज हो चुकी है कम्प्लीट। अब हम जाएंगे फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, इसका नाम है सीटेड। तो राहुल आपको करके दिखाएगा, इसको आप सही तरीका करने का कैसे है। स्टार्ट। इसको करने का सही तरीका भी यही है कि आप अपनी ये लोअर बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखें, इसको फोल्ड ना करें। और जैसे राहुल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है, पूरी बैक पे यहाँ पे फील करके करें। तो इसके लिए हमें 4 सेट करने हैं। आप इसमें थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, हमारी फोर्थ एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब हम जाएंगे फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ, इसका नाम है वन आर्म डंबल। तो राहुल आपको करके दिखाएगा कि ये डंबल आर्म कैसे करते हैं। राहुल स्टार्ट। Thank you.
इसको करने का तरीका भी सही यही है कि आप अपनी बैक को पूरा स्ट्रेट रखिए, उसको फोल्ड ना करें और कोशिश करें कि अपनी एल्बो के साथ साथ आप अपनी बैक को भी चलाएं। तो इसमें वेट की कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके भाइयों, हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, अब हम जाएंगे सिक्स एक्सरसाइज की तरफ। इसका नाम है बैक पुली। तो राहुल आपको करके दिखाएगा कि इसको हम कैसे करते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्रिप है वो क्लोज नहीं रहेगी, थोड़ी वाइट हो जाएगी। स्टार्ट। देखा कि राहुल ने आपको करके दिखाया है बैक वर्कआउट। तो हमारा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, सिक्स एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो आपको इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वेट बहुत हैवी ना जाएं, बहुत नीचे भी ना जाएं, मीडियम वेट से वर्कआउट करें। और सबके चार ही चार सेट लेने हैं आपको। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। तो हम बीच बीच में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लाते रहेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे कि आप अच्छी बॉडी कैसे बना सकते हैं। तो आप सबका दिल से थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो उसके साथ में घंटी का बटन है उसको भी दबा दें। लाइक, शेयर, कमेंट आप सब कुछ करें, आपका प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।